बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल हाई कोर्ट जहां राज्य सरकार समेत सभी पूर्व सीएम को नोटिस भेजा गया है। और गौरव जोशी हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गौरव, राज्य सरकार के साथ साथ ही पूर्व सीएम को नोटिस भेजा गया है, नोटिस में क्या कहा गया है और कितना समय? जी देखिए, नैनीताल हाईकोर्ट से पूर्व में ही एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें उत्तराखंड के जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको अपने जो आज तक उन्होंने सरकारी घरों का इस्तेमाल किया है, साथ ही गाड़ी टेलीफोन समेत जितनी भी सुविधाएं उनके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा ली गई हैं उनका जो भुगतान है वो जमा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश को राज्य सरकार ने कैबिनेट में हाईकोर्ट के फैसले को रखा और उस अध्यादेश लेके आई कि हम उसमें एक स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से इन लोगों से किराया लेंगे, जिसको देहरादून की जो रूरल लिटिगेशन संस्था है उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा है कि जो पूर्व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ एक बार अगर फैसला दे चुकी है कि बाजार भाव से पूर्व मुख्यमंत्रियों से किराया लिया जाए तो इसमें जो कैबिनेट में फैसला रखा गया है वो गलत है, उसी को आज हाईकोर्ट ने चुनौती दी है। और मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने राज्य सरकार समेत जितने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे निशंक हो और समेत जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं, जिससे एक बार इनको बड़ा झटका लगा है। जी चलिए, धन्यवाद आपको गौरव हमें जानकारी देने के लिए।